हमने अभी एक नया फैशन स्टोर खोला है, माय नाइन फैशन स्टोर, शहर के बीचों बीच सभी नए कलेक्शन के साथ लेडीज बैग्स, एस्पेनो, लोकस, एनिग्मा, ट्रॉली बैग्स, पोलो क्लब यूएसए, वेंटेक्स जर्मनी, फुटवेयर ओन मैन्युफैक्चर, न्यू अराइवल लेटेस्ट कलेक्शन, लेडीज शूज, हैंडबैग्स, सैंडल, मेन शूज एंड स्लीपर, 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। तो आज ही आइए माय नाइन फैशन स्टोर। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से भिवंडी महानगर पालिका ने आवाम के लिए प्रिंसिपल अमाउंट के साथ 3 महीने का टैक्स माफ़ किया और कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका ने आवाम के लिए 75% ब्याज में छूट दी। वहीं मुम्बरा की आवाम को कोविड-19 और लॉकडाउन में हुई परेशानियों में ढूंढ रही थी बड़ी राहत की राह, लेकिन NCP और MIM में शुरू हुई सोशल मीडिया में पोस्टरबाजी से सबसे पहले क्रेडिट लेने की होड़ में दोनों पक्षों के जनप्रतिनिधि खुद ही कंफ्यूज हो गए। इन्हें खुद ही पता नहीं कि 75% या 100% की छूट पूरे बिल पर है या ब्याज पर है या प्रिंसिपल अमाउंट पर है या शास्ति पर है। आप ही देखें कि आपके चुने हुए नगर सेवक क्या कह रहे हैं। महासभा में जो टैक्स को लेकर प्रस्ताव पास हुआ है, क्या प्रस्ताव है वो, उसके बारे में जानकारी। महासभा में अभी तक प्रस्ताव तो पास नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा प्रस्ताव डाला गया है कि जो टैक्स है उस पर 75% जो ब्याज है उस पे वो कम कर देंगे, लेकिन वो अभी तक पेंडिंग है। तो ये कैसा है, 75% जो ये बिल पे डिस्काउंट है या जो इंटरेस्ट रहता है उस पर छूट? नहीं नहीं, बिल पे डिस्काउंट नहीं है, वो इंटरेस्ट पे डिस्काउंट है। जो भी इंटरेस्ट रहेगा उसमें से 75% कम हो जाएगा। सोशल मीडिया में तो बैनर चलाया जा रहा है कि जो है बिल जो है 75% छूट है। नहीं नहीं, बिल 75% छूट नहीं है, वो टैक्स का जो ब्याज रहता है इंटरेस्ट उस पे 75% डिस्काउंट दिया जाएगा, ऐसा ठहराव डाला गया है, लेकिन वो अभी तक पास नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं कि जो है टैक्स 75% टैक्स में जो पूरा 100% इंटरेस्ट माफ होगा 75% या पूरा 100% इंटरेस्ट माफ, शास्त्री माफ, एक शास्त्री भी आता है वो भी माफ। बिल माफ नहीं होगा ना? बिल माफ नहीं होगा, बिल माफ करने की हमारी मांग थी, वो बिल माफ करने की मांग को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से और महानगर पालिका से मांग की कि कम से कम जो 4 महीने का लॉकडाउन है उसके लिए लोगों को राहत दी जाए, और नहीं तो कम से कम लोगों को। आप लोग जो बैनर चलाए वो बैनर में साफ लिखा हुआ है कि 75% पानी और प्रॉपर्टी टैक्स माफ, ये भ्रामक पोस्टर सोशल मीडिया पर क्यों चलाया गया? मुझे नहीं मालूम किसी ने चलाया होगा, लेकिन मुझे तो ऐसा, मैंने कोई लगा है अभी लोग तो ऐसा, आपकी पार्टी के लोग चलाए ना? हाँ, ऐसा लोग डाल देते फोटो, पार्टी के लोग होंगे उनको जानकारी नहीं होगी। कोई कॉर्पोरेटर ने आपको ऐसा बोला है क्या, कोई कॉर्पोरेटर ने बैनर लगाया क्या? नहीं ना, तो कॉर्पोरेटर को मालूम है इस बात की। महासभा में अभी तक वो प्रस्ताव के ऊपर साइन का प्रोसीजर चल रहा है, लेकिन लोग गुमराह हो रहे हैं इसमें। आप है ना लोगों को सही राह देने के लिए, बल्कि प्रहार टाइम्स ने इस मुद्दे पे आई तो उनका खैर मकदम है कि वो मुमरा की आवाम तक, थाना की आवाम तक, आपकी आवाज़ थाना तक पहुँचेगी, थाने महानगर पालिका के हर क्षेत्र में पहुँचेगी। आप जिससे लोग आए हैं तो सोशल मीडिया के तौर पर तुरंत लोगों तक सही बात पहुँच जाएगी, और महासभा का जो प्रस्ताव है उसको मंडे तक पूर्ण मंजूरी मिल जाएगी। ये प्रस्ताव एक मत से पास हुआ है, जिसको साइन से लेकर सारी चीज़ जो उनको प्रोसीजर लगता है वो मंडे तक। अभी कमिश्नर का इस पे कोई भी मतलब मोहर लग के सामने कोई लेटर आया नहीं, उसके पहले ही अभी ये 1 तारीख से शुरू होगा, आने वाली पहले जनवरी से ये लागू होगा। आप समझ रहे नहीं, और आप लोग अभी से चलाए। कमिश्नर महासभा प्रथम है, महासभा ने जो आयुक्त ने लेटर जारी किया कि ये आप जारी किया आयुक्त ने लेटर, में माननीय महापौर माननीय सभागृह ने जो जिसको अनुमति मंजूरी दे दी वो प्रथम है, माननीय कमिश्नर साहब उसको मंजूरी दे देंगे क्योंकि प्रथम है। महासभा दे देंगे
लेकिन अभी नहीं है ना महानगर पालिका। अरे अभी तो लोग भ्रमित हो रहे हैं ना। भ्रमित होने की जरूरत ही नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ महासभा की मंजूरी है मतलब खत्म, महासभा की मंजूरी मतलब फाइनल, उस पे आप महासभा की मंजूरी को महासभा ही रोक सकता है, वो अधिकार सिर्फ महासभा के पास है। महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन एक्ट में क्लियर है कि जो चीज महासभा ने मंजूर की है वो महासभा ही वापस कोई प्रस्ताव में बदल कर सकता, दूसरा कोई। अच्छा ये जो है 75% आप कह रहे हैं कि टैक्स माफ रहेगा जो 100% जो 100% नहीं है 100%, कुछ लोगों ने 75% का कटआउट चला दिया, कुछ लोगों ने 100% का, और ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है। शास्त्री भी माफ है और 100% जनवरी आखिरी तक, जनवरी के पूरे महीने तक शास्त्री और ब्यास आप भरेंगे साथ में तो पूरा माफ, पानी और लाइट। अच्छा तो ये किन लोगों के माफ माफ रहेगा, जो दसों साल से नहीं भरे उनके लिए है या किसके लिए? मूल्य आज की डेट में आपका 25,000 रुपए टैक्स है और 25,000 रुपए आपका शास्त्री और ब्याज है, आपको 25,000 रुपए ही आज भर रहा है, यानी सिर्फ जो है ब्याज जो और शास्त्री का वही माफ है। मूल्य टैक्स बेसिक अमाउंट आपका जो एक्चुअल है मूल्य टैक्स, वो ना कोई इंटरेस्ट ना कोई शास्त्र। तो मतलब महासभा के अंदर मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ थाना कमिश्नर डॉक्टर विपिन शर्मा का जिन्होंने मतलब इसके इस प्रस्ताव को पास किया महासभा के अंदर, ये ठहराव पास हो गया। जो ब्याज दर है हमारी, ब्याज दर में 75% की माफी रहेगी। लेकिन आप जो पोस्टर चला रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसमें तो बिल माफी का लिखा हुआ है, पानी और नहीं बिल माफी नहीं है, बिल माफी नहीं है। जो हमारी बिल आती है, अब वो बिल हम साल भर दो साल नहीं भरते, कुछ ब्याज का ब्याज माफी रहेगी, ब्याज का जिक्र नहीं किया है आपने। हाँ नहीं, वो गलती हो गई थी उसमें लिखने में, लेकिन वो ब्याज दर है जो इन लोगों ने लोग भरने के लिए गए वहाँ, बोला अभी आया नहीं योजना उपलब्ध नहीं, नहीं नहीं अभी आप लोग चला दिए कि योजना का लाभ लोग, नहीं नहीं सब लोगों ने चलाए थे, हमने भी चलाए, हमारे तो मैंने मतलब रुका के रखा था। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, नहीं जो बिल माफी नहीं चला रहा है, 75% नहीं आज फैसला आने वाला था, मतलब 100% हुए या 75%, लेकिन ये ब्याज दर माफी है बिल की जो ये पास हुआ है अभी, इस पे जो है मनपा कमिश्नर का हस्ताक्षर नहीं। हाँ ये तो फिर क्यों इतनी घाई हमने पोस्टर वायलेट नहीं किए, एनसीपी के लोगों ने पहले इसको डाल दिया, अब महासभा में ठहरा पास हुआ, लेकिन कमिश्नर से अभी क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई, जाहिर सी बात हर कोई क्रेडिट के चक्कर में पड़ा हुआ था। लॉकडाउन के दरमियान नहीं भर पाए या जो दसियों साल से नहीं भर रहे हैं उनके लिए किसके लिए है ये? वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, वो कंफर्म करके मैं आपको बता दूंगी। तो ये बैनर जो चल रहा है ये क्यों आखिर चलाया जा रहा है, जो अभी तक एसओपी यानी कि सिस्टमेटिक ऑपरेशन प्लान जो अभी तक मनपा आयुक्त का इस पे मोहर लगा ही नहीं है, तो ये बैनर क्यों चलाया गया आखिर? लोग गुमराह हो रहे हैं, इसे भरने जा रहे हैं तो अधिकारी बोल रहे हैं कि हमारे सिस्टम में अभी अपडेट है ही नहीं, तो आखिर ये क्यों चलाया गया? क्या शहर को गुमराह किया जा रहा है? वो आप उनसे जाके पूछ सकते हैं कि उन जिन्होंने बैनर लगाया है उनसे आप जाके पूछिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, उनसे आपको जवाब मिलेगा। आप सभापति हैं तो ये बताइए कि जो लॉकडाउन के दरमियान दिया, हर साल टैक्स माफ होता है, इंटरेस्ट भी कम माफ होता है, तो ये लॉकडाउन के दरमियान आखिर इस साल में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि लोगों का जो है टैक्स ब्याज पूरा साल का माफ किया जाए? क्योंकि 9-10 महीने से तो लॉकडाउन ही लगा है, तो लोग आखिर भरेंगे कैसे? तो आप लोग क्यों नहीं इस पर कदम उठाते कि पूरे साल का माफी कर दिया जाए? हम तो ऐसा कदम उठाते इस बात पे चर्चा करूंगी मैं, और जिसका जो अपडेट है वो आप तक मैं पहुंचा दूंगी। अभी आपने सुना कि मुंब्रा शहर के नेता किस तरह से खुद ही भ्रमित है यानी कि कंफ्यूज है, और इनके पोस्टर बैनर ने सारे शहर की जनता को गुमराह कर रखा है। ठाणे महानगर पालिका के सूत्रों की माने तो 2018 में मनपा ने 75% ब्याज पर छूट दी थी, इसी तर्ज पर इस साल 2020 और 2021 के लिए भी छूट दी जा रही है।
ये अभय योजना 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक रहने की संभावना व्यक्त की है। सितम की बात यह है कि कोविड 19 और लॉकडाउन में शहर परेशानी और बेबसी का शिकार हुआ और उसमें प्रॉपर्टी टैक्स बिजली बिल से राहत मिलने की अपनी नेताओं से उम्मीद लगा रखी थी, जो अब एक डरावना सा ख्वाब लग रहा है।